Huh? <laughs> हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आ चुका हूं बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी का कलेक्शन जिसके अंदर सारी की, सारी की चीजें पिंक कलर की है और आपको वो नजर भी आ रही होगी क्योंकि आज का जो कलेक्शन है वो पिंक स्टेशनरी कलेक्शन है और इसके अंदर कुछ टॉयज कुछ गैजेट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है से वीडियो को पूरा देखना एंड तक तो और एक भी चीज को स्किप मत करना और गाइज हर चीज में ना एक एक चीज आपको एकदम डिटेल में दिखाऊंगा उसके बारे में आपको सही से बताऊंगा तो बिना किसी तरीके शुरू कर देते हैं सबसे पहले गाइज हमारे पास यहाँ पर एक हेलो किटी की वॉच है ये देखो यहां पर आप टाइम देख सकते हो और यहां पर देखो इधर भी हेलो किटी बना हुआ है और इधर हेलो लिखा हुआ है इधर किटी लिखा हुआ है यहां पर भी हेलो किटी बनी हुई है यहां पर टाइम देख सकते हो और ये दो बटन इनसे टाइम सेट कर सकते हो कितनी कमाल की है ना गाइस पिंक कलर की वॉच और बहुत ही क्यूट लगेगी स्पेशली गर्ल्स को ये वॉच बहुत पसंद आएगी और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल का यूनिकॉर्न का मिरर सेट है ये देखो यहां पर इसके अंदर किचेन भी लगी हुई है यहां पर देखो इसको आप ना कहीं पर भी अटका सकते हो अपने स्कूल बैग में कॉलेज बैग में घर की चाबियों में या फिर कहीं भी और देखो यहां पर यूनिकॉर्न बैठा हुआ है मून के ऊपर और देखो यहां लिखा है एम लिटल मेजिकल यूनिकॉर्न लिखा हुआ है यहां पर भी सेम है और यहां से ओपन करके आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो देखो यहां पर भी मिरर मिलता है और यहां पर भी ये मिरर बहुत कमाल का है और इजी टू कैरी है और कहीं पर भी लेकर के आप कहीं पर भी जा सकते हो बड़े आराम से इसको और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल का पेन है ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ये यूनिकॉर्न का पिंक और पर्पल कलर का पेन है और देखो ये कैसे यूज होता है इसकी यूनिकॉर्न को ऐसे इधर फोल्ड करना होता है यहां से पेन की टिप बाहर जाती है दोबारा अंदर करोगे तो पेन की टिप अंदर चली जाती है और सबसे बड़ी बात इस पेन की एक और मैं बता दू इस पेन से ना आप अपने फोन को भी यूज कर सकते हो वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं तो गैस गाइस जैसे देखो ये हमारा फोन है इसको कैसे यूज करोगे देखो इस तरीके से आप फोन को यूज कर सकते हो देखो इस, इस पेन से ये पेन आपको फोन चलाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बड़े आराम से फोन वगैरह भी चल जाता है कितना कमाल का पेन है ना ये गाइज बहुत ही जबरदस्त पेन है बस पेन चलाने के लिए आपको इसकी टिप को अंदर करना पड़ेगा और पेन को आप इजीली यूज कर सकते हो कैसा लगा आपको यूनिकॉर्न का पेन कमेंट में जरूर बताना यहां पर गाइज हमारे पास यूनिकॉर्न का एक प्लास्टिक का बना हुआ पेंसिल बॉक्स है देखो यहां भी यूनिकॉर्न है यहां पर भी यूनिकॉर्न है और यूनिकॉर्न तो यहां पर बलून लगा के उड़ रहा है और देखो यहां पर एक बटन है इसको बटन को दबाने से पेंसिल बॉक्स ओपन होता है ये मैंने दबाया तो ये पेंसिल बॉक्स ओपन हो गया यहां पर पेंसिल लॉक करके रख सकते हैं और यहां पर बाकी के एरिया में स्टेशनरी वगैरह आप आराम से रख सकते हो ये इजिली बंद भी हो जाता है और यहां पर कहीं हमारे पास यूनिकॉर्न का एक टूथ ब्रश है ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इस ये इस तरह की बॉटल के अंदर आता है इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं ये देखो ये हमने टूथ ब्रश को बाहर निकाला और देखो ये रहा यूनिकॉर्न बना हुआ कितना प्यारा कितना क्यूट और इधर से आप ब्रश कर सकते हैं देखो इसके ब्रिस्टल भी काफी अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ब्रश है तो आपको कैसा लगा ये यूनिकॉर्न का टूथ ब्रश कमेंट में बताओ और ऐसा ब्रश आपने पहली बार देखा होगा लाइफ में जरूर मैं सच बता रहा हूं आपको और यहाँ पर कहीं हमारे पास एक बारबी की पेंसिल बॉक्स है देखो कितनी क्यूट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बारबी बनी हुई है और देखो यहाँ लिखा है बारबी और देखो पूरी पिंक कलर की बॉक्स है इसको ओपन करते हैं यहाँ पर देखो एक ट्रे है ट्रे के ऊपर चार पेंसिल आप लॉक करके रख सकते हो और ट्रे को हटाओगे तो ट्रे के नीचे आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर का एक प्रिंसेस का स्केल मिल जाता है देखने के लिए और यहां पर बाकी की स्टेशनरी आइटम आप खुद रख सकते हो तो कैसा लगा आपको बारबी का पेंसिल बॉक्स कमेंट में जल्दी से बताओ और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल की एक प्रिंसेस बारबी वाली एक वॉच है ये यह देखो यहां पर बारबी बनी हुई है यहां पर भी और यहां पर देखो यहां पर भी बारबी का फेस है और यहां पर आप इसको ओपन करके टाइम देख सकते हो यहां पर और यहां पर भी बारबी दी, दी गई है और देखो ये दो बटन है और ये तीनों बटन यहाँ पर टाइम सेट करने के लिए और ये एक स्पिनर वाली वॉच है जैसे कि आप इसके अंदर इसके फेस को दबाओगे ना तो इसके अंदर लाइट जलने लगती है देखो इसको फेस को मैंने दबाया इसके अंदर लाइट जलने लगी अब मैं इसको घुमाऊंगा ना तो इसके अंदर बहुत ही कमाल की लाइटें जलती हैं देखो आपको दिख रही है ये देखो ये स्पिनर को मैं घुमाऊंगा इसके अंदर आपको बहुत ही कलरफुल लाइट जलती हुई दिखेंगी देखो कितने कमाल का ना है ये कहीं स्पिनर वाली वॉच कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ इससे आप टाइम देखने के साथ साथ टाइम पास भी आप कर सकते हो और यहाँ पर हमारे पास एक डोरेमोन का पिंक डोरेमोन का एक कीचेन है देखो यहाँ पर लिखा है डोरेमोन और यहाँ पर पूरा डोरेमोन दिया गया है कितना क्यूट लग रहा है ना डोरेमोन यहाँ पर और इसके अंदर एक घुघरू भी लगा हुआ है देखो छोटी सी घंटी लगी हुई है कितनी कमाल की है ना और इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो अपने बैग वगैरह में भी यूज कर सकते हो और अपने चाबियों में भी इसको यूज कर सकते हो आप लोग और यहां पर हमारे पास एक डोरेमोन का बहुत ही जबरदस्त शार्पनर है देखो पिंक कलर का डोरेमोन आपने कभी देखा है देखा है तो कमेंट में बताना ये एक शार्पनर है पेंसिल शार्पनर यहाँ से आप पेंसिल डालो और इस हैंडल को घुमाओगे तो आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी मैं आपको पेंसिल भी शार्प करके दिखाता हूँ आपको बहुत मजा आएगा देखने में हमारे पास यहाँ एक पेंसिल है देखो इसकी टिप टूट गई है अब इस पेंसिल को हम इसके माउथ के अंदर डालेंगे यहाँ पर हमने डाल दिया है अब इस हैंडल को घुमाएंगे हम हमारी पेंसिल अंदर ही अंदर शार्प होने लगेगी और हमारी पेंसिल शार्प हो रही है अंदर और होने ही वाली है देखते हैं शार्प किन, किन देर में शार्प हो जाएगी और कैसी लगेगी शार्प होने के बाद और हमारी पेंसिल अभी शार्प हो रही है और मुझे लगता है हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है निकाल कर देखते हैं तो ये देखो कितनी मस्त हमारी यहां पर पॉइंटी पेंसिल शार्प हो चुकी है वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर और जो सारा डस्ट है वो कहा है यहां तो नहीं गिरा है सारा डस्ट गाइज इसी के अंदर कलेक्ट हो जाता है यहां पर इसके नीचे एक ढक्कन होता है इसको घुमा के खोलोगे तो सारा डस्ट आपको यहां पर पेंसिल का नजर आ जाएगा देखो दिख रहा है ना गाइज आपको और ये बाद में आप खाली कर सकते हो डस्टबिन में ये शार्पनर बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो और कहीं पर भी डेकोरेट करके भी आप रख सकते हो इसको इधर हमारे पास एक बहुत ही कमाल की यूनिकॉर्न की डायरी है देखो कितनी मस्त लग रही है और यहाँ पर यूनिकॉर्न दिया गया और यूनिकॉर्न की देखो यहाँ पर बाल भी दिए गए चुटिया करके दी गई है मल्टी कलर बालों की और देखो कितना कमाल का लग रहा है ना गाइज डायरी का लुक वाओ बहुत जबरदस्त है और एक कीचेन वाली डायरी है तो इसको इसमें ताला और चाबी का इस्तेमाल होता है उसी से ये खुलती है इसके दो चाबियां भी दी गई है इन चाबियों से आप इस ताले को खोल के इस डायरी को ओपन कर सकते हो तो इसको मैं ओपन करके भी दिखाता हूं आपको तो ये देखो चाबी से हम ताले को ओपन कर लेते हैं ओपन ओपन कर लिया हमने अब इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद अब ये ओपन हो पाएगी बिना चाबी के इस डायरी को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है और देखो कितने अच्छे यहाँ पर पेजेस दिए गए हैं देखो अलग अलग टाइप के पेजेस हैं यहाँ पर डॉट्स है यहां पर लाइन्स वाले पेजेस है और यहां पर प्लेन पेजेस है देखो कुछ इस तरीके की डायरी यहां पर हमें यूनिकॉर्न की देखने के लिए मिल जाती है और ये इजिली इस तरीके से वापस से आप इसको लॉक करके रख सकते हो कैसे लगी आपको लॉक डायरी वाली ये लॉक वाली डायरी कमेंट में बताना इस मुझे और यहां पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल का पियानो वाला पेंसिल बॉक्स है और देखो यहां पर बनी हुई है तीन तीन प्रिंसेस और इसके अंदर पियानो है इस प्रिंसेस के नीचे पियानो मिलता है इसको ऐसे घुमाओगे ना यहां पर पियानो बाहर आ जाता है यहां पर हमने दो डबल ट्रिपल ए साइज की बैटरी लगा दी है इसको ऑन करते हैं पियानो को तो ये ऑन ही है तो अब इसको हम बटन को दबाएंगे तो ये पियानो बजने लगेगा देखो आवाज आएगी आपको और यहां पर बटन है इन बटनों से आप जो है इसके अंदर टोन वगैरह सेट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का म्यूजिक सुनना है देखो कितने सारे बटन है ना इस पे आने वाले पेंसिल बॉक्स में चलिए इसको ऑफ कर देते हैं और अब देखते हैं इसके अंदर और और क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है मैं यहाँ से ओपन करोगे यहां पर आपको स्टेशनरी रखने के लिए स्पेस मिलता है यहाँ पर पेंसिल लॉक होकर रख जाएंगी और इधर इरेजर शार्पनर रख सकते हो और ये पीछे से भी ओपन होता है यहां पर भी स्टेशनरी रख सकते हो तो कैसा लगा आपको पियानो वाला पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे और नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही कमाल का टूथ ब्रश है देखो कितना प्यारा लग रहा है टूथब्रश और ये गाइज ये मरमेड वाला जलपरी वाला टूथब्रश है मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा देखो हमने निकाल दिया बाहर और देखो यहां पर इसके अंदर एक जल परी, यहाँ पर लगी हुई है रबर की और देखो ये ब्रश है इससे आप जब पकड़ के ऐसे ब्रश करोगे कितना मजा आएगा ना देखो कितनी क्यूट है ना गाइज ये देखो आ, मरमेड कितनी प्यारी लग रही है ना जलपरी पानी में तैरने वाली मछली है ये गाइज कितनी कमाल की लग रही है ना आपने कभी ऐसी टूथब्रश देखी है लाइफ में नहीं देखी होगी गाइज जरूर हमारे ही चैनल पे आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं तो इसी बात पे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही प्यारी स्क्रल है और ये स्क्वेयरल वाली इरेजर है और ये पेंसिल के ऊपर लग जाती है आप यहां से इसको पेंसिल के ऊपर लगा सकते हो कितनी क्यूट लगेगी ना ये इरेजर और यहां पर हमारे पास एक कैट वाली एक इरेजर है मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको तो ये देखो कैट वाली इरेजर निकाल के दिखाता हूं ये बहुत ही अलग ही है इसको यूनिकॉर्न इरेजर भी बोल सकते हो कैट इरेजर भी बोल सकते हो जो चाहे आप बोल सकते हो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको बहुत अच्छी लगेगी ये इरेजर और ऐसी इरेजर भी आपने कभी नहीं देखी होगी जम्बो साइज की इरेजर है देखो कितनी बड़ी इरेजर है ना कैट फेस की देखो कितनी कमाल माल की लग रही है और ये इससे इरेज करते जाओगे खत्म भी नहीं होगी बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इस जंबो इरेजर को यूज कर सकते हो बहुत ही जबरदस्त इरेजर है ये और यहां पर गाइज हमारे पास एक लिपस्टिक वाली इरेजर है देखो ये लिपस्टिक ये बार भी बनी हुई है और ये इरेजर है इसको ऐसे ओपन करोगे ना आप तो ओपन करने के बाद ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हो और ये इरेजर है ये देखो ये रबर की बनी हुई है और इजीली ये बंद भी हो जाती है कितनी क्यूट लग रही है ना और कहीं भी लेके जाओगे सबको लगेगा कि आप लिपस्टिक लेकर आए हो यहाँ पर हमारे पास एक एरोप्लेन वाला इरेजर है देखो एरोप्लेन शेप का रेजर है देखो इस ये बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत सॉफ्ट है देखो देखने में एकदम रियल एरोप्लेन की तरह ही ये नजर आता है कितना कमाल का है ना और यहाँ पर गाइस हमारे पास एक हॉर्स वाला शार्पनर है देखो हॉर्स वाला जो झूला होता है ना इसके ऊपर बैठते हैं तो ये यह देखो यहाँ से आप दो दो पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में इसके अंदर से कचरा आप आराम से निकाल सकते हो देखो ये रहे दो दो ब्लेड इसके ये ट्रांसपेरेंट हॉर्स है और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल की यूनिकॉर्न वाली डायरी है देखो यहाँ क्या लिखा है ड्रीम बिग लिटल वन लिंडी लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रैप है रबर की ये देखो इसको हटा के ऐसे ओपन कर सकते हो और इसके अंदर आप जो मर्जी अपनी मर्जी से लिख सकते हो देखो कितनी कमाल की है ना एनागाइज ये और ये इस तरीके से स्ट्रैप से बंद भी हो जाती है और ये बिना स्ट्रैप के ओपन ही नहीं होती कितनी क्यूट है ना ये डायरी और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल की मैकेनिकल पेंसिल है देखो यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है और इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे से इसका टिप है इसको इसका बटन है इसको बटन को बार बार आप दबाओगे तो यहाँ से लीड बाहर आ जाती है जितनी आपको निकालनी है उतनी ही बाहर निकाल लें नहीं तो बाकी की टूट जाती है और लीड अंदर करने के लिए आपको इसको प्रेस करना है और अंदर इसको प्रेस करें पुश करेंगे ये अंदर चली जाती है कितनी कमाल की है ना ये मैकेनिकल पेंसिल बड़ी ही क्यूट है यहाँ पर एक हेलो किटी वाली हमारे पास शार्पनर है यहां देखो यहां से आप दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो अलग अलग टाइप की और यहां पर एक लॉन्ग ब्लेड एक शॉर्ट ब्लेड मिल जाता है और इसको ओपन करके ही डस्ट भी आप निकाल सकते हो कितना कमाल का शार्पनर है ना दोस्तों बड़ा ही मस्त शार्पनर है ये और यहाँ पर गाइस देखो क्या लिखा हुआ है ये एक बहुत ही बड़ी हमारे पास आर्ट किट है और ये आर्ट किट के ऊपर लिखा हुआ है सिक्सटी एट पीसीज यानी कि इस आर्ट किट के अंदर सिक्सटी एट टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर एक हैंडल है इस हैंडल से आप कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हो इसको और यहाँ पर एक चिट बटन है इससे आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर देखोगे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी ये देखो क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको मिल रही है पिन और एक स्केल 15 सेंटीमीटर का ये स्केल लगा हुआ है इसके ऊपर यहां पर बहुत सारे कलर हैं देखो वैक्स क्रियो हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के देखो है ना कमाल के और यहां पर कलर पेंस मिल रहे हैं आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पर कुछ कलर पैलेट्स मिल रहे हैं देखो कितने कलर पैलेट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन पर एक कलर कलरिंग ब्रश भी मिल रहा है देखो और यहाँ पर एक पेंसिल मिल रही है यहाँ ग्लू मिल रहा है आपको इरेजर है शार्पनर है और यहाँ पर कलर पेंसिल्स हैं कुछ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कलर पेंसिल्स हैं और कुछ ऑयल पेस्टल वाले भी कलर मिल रहे हैं यहां पर वो कितने है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल इसके अंदर ये सारी चीजें मिल रही है देखो पूरी किट आपके आंखों के सामने है और ये 68 है टोटल अगर काउंट करोगे ना तो सारी चीजें आपको 68 मिलेंगी आप वीडियो पॉज करके आप काउंट भी कर सकते हो आपको बिल्कुल 68 चीजें ही इसके अंदर नजर आएंगी तो कैसी लगी आपको ये आर्ट किट कमेंट में बताना और देखो कितनी क्यूट आर्ट किट है ना ये बहुत मस्त है नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही कमाल की बी टी ट्वेंटी वन की स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर है और ये जितने भी कैरेक्टर बने हुए हैं इनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना और देखो यहां पर भी कुछ कैरेक्टर बने हुए हैं और ये स्टेशनरी किट ऑर्गेनाइजर किट कैसे ओपन होती है देखो इस तरीके से ओपन हो जाती है और यहाँ पर इसको ऐसे करके आप कहीं पर भी अपने स्टडी टेबल पर आप इस तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हो जैसे कि हमने रख दिया है यहां पर और इसके अंदर आप ना अलग अलग टाइप की चीजें रख सकते हो जैसे यहाँ पर पेन पेंसिल वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर इरेजर शार्पनर सेलो टेप स्टेप पिन स्टेपलर

पहला बटन दबाते ही और यहां पर एक व्हाइट बोर्ड भी मिलता है इसके अंदर और वाइट बोर्ड मार्कर भी यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है और यहां पर और यहां पर आप स्टेशनरी आइटम रख सकते हो और आप चाहो तो व्हाइट बोर्ड को इधर निकाल के ऐसे भी यूज कर सकते हो और इस मार्कर से आप लिख सकते हो देखो ये रहा मार्कर इसके साथ मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको और इस मार्कर से भी आप लिख सकते हो और मिटा भी सकते हो मैं थोड़ा सा यूज करके दिखाता हूँ आपको जैसे कि हमने इस मार्कर से लिख दिया और इसी इसकी के ऊपर ब्रश लगा होता है इससे आप मिटा भी सकते हो देखो इस तरीके से यूज कर सकते हो कितना कमाल का आने का ये स्टेशनरी पेंसिल बॉक्स और ये वापस से इस तरीके से बंद भी हो जाता है और यहाँ पे बटन है इससे भी दबाएंगे तो यहाँ से भी ओपन होता है यहाँ पर पेंसिल लॉक करके रख सकते हो और भी सारी स्टेशनरी यहाँ पर आप रख सकते हो कितना कमाल का आने ये पिंक कलर का कैट वाला पेंसिल बॉक्स बहुत जबरदस्त है यहाँ पर गाइज हमारे पास एक नॉन शार्पनिंग पेंसिल है जिसके ऊपर बी बना हुआ है बी टी बने हुए कैरेक्टर और ये सिटी वाली पेंसिल है इसके अंदर सीटी बजती है मैं बजा के दिखाता हूँ देखा कितनी लाउड सिटी है ना गाइज ये और यहाँ से इसको ओपन करके आप यहाँ पर देखो आपको टिप नि दिख रही होगी लिट दिख रही होगी पेंसिल की ग्रीफाइड लिट इसको ऐसे निकालोगे और निकालने के बाद आप यहाँ से डालोगे ना तो से न्यू लीड बाहर आ जाती है तो इसके अंदर टोटल दस बारह लीड्स आपको देखने के लिए मिल जाती है देखो नजर भी आ रही होंगी आपको इसमें तो इस तरीके की ये नॉन शार्पनिंग पेंसिल है और यहां पर हमारे पास एक ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स है जिसके अंदर आपको एट टायर मिल जाते हैं चार टायर इधर चार इधर अगर आप बोर हो रहे हो तो आप ऐसे चला करके भी खेल सकते हो और यहां से आप पेंसिल डाल के शार्प करोगे ना तो आपका कचरा भी यहीं से निकल जाएगा देखो इस तरीके से पेंसिल का सारा जो डस्ट है ना वो यहीं पर कलेक्ट हो जाता है ये रहा शार्पनर और कलेक्ट हो जाता है सारा डस्ट यहां पर देखो थोड़ा डस्ट यहाँ पर पड़ा भी हुआ है और इस तरीके से वापस से आप इसको बंद

देखो कितना कमाल का लग रहा है और इसको ऐसे निकालोगे तो यहां पर एक कॉम्ब भी आपको देखने के लिए मिल जाता है देखो यहाँ यूनिकॉर्न बना हुआ है और यहां पर मिरर है और यहां पर आपको कॉम्ब देखने के लिए मिलता है और कॉम्ब इसके अंदर ही सेट हो जाता है इस तरीके से देखो कितना कमाल का लग रहा है ना क्या ये यूनिकॉर्न का मिरर सेट और यहां पर हमारे पास फेरी टेल पैलेस नाम का एक इरेजर सेट है और देखो इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सब इरेजर है मैं निकाल के दिखाता हूं आपको बहुत पसंद आएगी आपको ये चीजें तो ये हमने निकाल दिया है यहां पर और देखो यहां पर सबसे पहले हमें मिल रहा है कि यूनिकॉर्न का जम्बो इरेजर और ये पूरा रबर का ये एक इरेजर है दोस्तों देखो कितना कमाल का लग रहा है ना ये यूनिकॉर्न का इरेजर देखो कितना क्यूट है ना और यहाँ पर देखो एक प्रिंसेस की जादुई छड़ी वाली इरेजर है हमारे पास और यहां पर हमारे पास रेनबो वाली इरेजर है एक रिंग वाली इरेजर है बटरफ्लाई वाली है और फ्लैमिंगो बर्ड वाली है और ये यूनिकॉर्न है बेबी यूनिकॉर्न और आईफिल टावर वाली इरेजर है Means यहाँ पर एक हार्ट है जिसके अंदर से तीर आर पार हो रहा है ये वो वाली इरेजर है और एक बेबी यूनिकॉर्न वाली इरेजर और है यहाँ प्रिंसेस का जो महल होता है राजमहल कासल होता है जो उस वाली इरेजर है ये हेज होग एनिमल वाली इरेजर है ये फ्लावर वाली इरेजर है जो बुके हम देते हैं किसी को गिफ्ट में ये पाइन इरेजर है तो कुछ इस और यहाँ पर प्रिंसेस का क्राउन वाली इरेजर है देखो कितनी सारी इरेजर है ना इसके अंदर अलग अलग और काउंट करते हैं कितनी इरेजर है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल फिफ्टीन इरेजर इसके अंदर आपको मिल रही हैं कितनी क्यूट इरेजर है ना गाइज ऐसी इरेजर तो मैंने भी पहली बार देखी है गाइज और यहाँ पर हमारे पास एक यूनिकॉर्न का बहुत ही प्यारा नेकलेस सेट है और एक गर्ल्स के लिए मैं निकाल के दिखाता हूँ इसके अंदर नेकलेस भी होता है ईयर भी होते हैं और ब्रेसलेट भी होता है देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये हमने ओपन कर लिया है और ये तो है गले का नेकलेस देखो यहाँ पर यूनिकॉर्न बना हुआ बड़ा क्यूट और देखो कितना शाइनी है ना कितना कितना मस्त है ये है इसका ब्रेसलेट देखो ये ब्रेसलेट है और ये फिंगर में पहनने वाली रिंग है और ये कानों में पहनने वाले यूनिकॉर्न के ईयर है कितनी क्यूट है ना ये यूनिकॉर्न का सेट बहुत, पस, बहुत मस्त है ये गर्ल्स को स्पेशली बहुत ही क्यूट लग रहा होगा देखने में कैसा लग रहा है गर्ल्स कमेंट में जल्दी से बताओ यहां पर हमारे पास एक और हेलो किट्टी वाला शार्पनर है यहां से भी दो दो पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में ऐसे ओपन करके डस्ट निकाल सकते हो और यहाँ पर एक लॉन्ग ब्लेड और एक शॉर्ट ब्लेड देखने के लिए मिल जाता है देखो कितना कमाल का है ना और यहाँ पर का हमारे पास एक ट्रेन वाला एक और पेंसिल बॉक्स है देखो यहां पर चार व्हील भी दिए गए आप बोर हो रहे हो तो ऐसे चला करके भी खेल सकते हो लिखा है लेस गो और यहाँ से ओपन करके यहां पर स्टेशनरी यहाँ पर और यहाँ पर आप रख सकते हो और इस एरिया में आपको मिलती है पेंसिल होल्डर यहाँ पर देखो यहां से ढक्कन खोलोगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव पेंसिल आप रख सकते हो एक हमने रखी हुई है इसको कैसे निकालेंगे यहाँ से स्लाइड करके आप पेंसिल को जब मर्जी बाहर निकाल सकते हो और वापस अंदर कर सकते हो और ऐसे ही बाकी के एरिया में भी पेंसिल डाल के आप ऐसे बंद करके रख सकते हो और यहाँ से ढक्कन ओपन करोगे यहाँ से शार्पनर ओपन आता है यहां से दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो और बाद में डस्ट इस तरीके से आप ओपन करके निकाल सकते हो इसके अंदर बहुत सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है इजिली तो कैसा लगा आपको ट्रेन वाला ये पेंसिल बॉक्स कमेंट में बताओ यहाँ पर कैट बनी है यहाँ पर लिखा है लेट्स गो और यहाँ लिखा है म्यू तो कितनी कमाल की पेंसिल बॉक्स है ना कही ट्रेन वाली बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर गई हमारे पास एक फैशन गर्ल वाली मेकअप uh, इरेजर है यहाँ पर देखो और ये मेकअप वाली इरेजर है सारी सारी की सारी देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ ये गर्ल्स को बहुत क्यूट लगेंगी देखो इस तरीके से ओपन करते हैं और यहाँ पर देखो कितनी सारी इरेजर है यहाँ पर रिंग वाली इरेजर है यहाँ पर हेयर ब्रश वाली इरेजर है या हार्ट वाली इरेजर है यहाँ बूट वाली रेड कलर की बूट वाली इरेजर लिपस्टिक वाली है और ये परफ्यूम बॉटल वाली इरेजर है और ये हैट वाली इरेजर है सिर पे पहनने वाला हैट तो कुछ इस तरीके की ये इरेजर सेट हमें देखने के लिए मिलती है कितनी क्यूट है ना और यहाँ पर गाइज हमारे पास यूनिकॉर्न का एक जंबो साइज का पेंसिल बॉक्स है देखो कितना जबरदस्त और कितना बड़ा पेंसिल बॉक्स है यहाँ पर यूनिकॉर्न है यहाँ पर महल बना हुआ है यहाँ पर एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न बना हुआ है और यहाँ पर भी दो दो यूनिकॉर्न बने हुए हैं और यहाँ पर एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न बना है यहाँ पर नेम और क्लास लिख सकते हो आप लोग और चार बटन है इनको दबाते हैं एक दो तीन चार यहां से शार्पनर ओपन हो गया यहां इरेजर रख सकते हो यहां पर कॉइन वगैरह आप रख सकते हो और इजीली ये एरिया इजीली बंद हो जाते हैं अंदर देखो इजीली पुश करने से चले गए अंदर अब इसको यहां से ओपन करोगे यहां ओपन करते यहां पर एक बटन है स्लाइड का इसको स्लाइड करोगे तो यहां पर एक स्पेस ओपन हो गया यहां पर भी चीजें रख सकते हो और यहां एक बटन है इसको दबाओगे यहां एक स्पेस ओपन होता है यहां पर भी पेंसिल वगैरह रख सकते हो और यहाँ पर छोटे मोटे कलर पेंसिल रख सकते हो और यहाँ पर बड़ी पेंसिल्स लॉक करके रख सकते हो आप लोग और पीछे से देखोगे तो यहाँ पर भी स्टेशनरी रखने के लिए बहुत बड़ा स्पेस इधर और इधर मिल जाता है तो देखो कितने सारे स्पेस है ना जरा से पेंसिल बॉक्स में कितनी चीजें इजीली आपकी इसमें आ जाएंगी और लास्ट में हमारे पास देखो क्या है यहाँ पर गई लास्ट में हमारे पास ड्रॉइंग रा, एंड राइटिंग बोर्ड देखो ये ड्रॉइंग एंड राइटिंग बोर्ड है बहुत बड़े साइज का मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा ये तो ये हमने निकाला है यहाँ पर और ये रहा हमारा ड्राइंग एंड राइटिंग बोर्ड और इसके साथ हमें कुछ चीजें मिलती है एक पेन मिलता है राइटिंग के लिए तो इस तरीके से आप इस पर कुछ भी राइट कर सकते हो देखो यहां पर हम लिख देते हैं जैसे और मिटाने के लिए आपको इस तरीके से इधर करना है और ये इजिली मिट भी जाता है और यहां पर लिखते हूं फन बॉक्स यहां पर फन बॉक्स लिख दिया इसको मिटा भी सकते हो आप इस तरीके से और इसके साथ कुछ शेप्स मिलती हैं तो ये देखो शेप्स भी यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप है इस तरीके से आप यहाँ पर ट्राइंगल शेप्स भी बना सकते हो इसकी हेल्प से और यहाँ पर एक सर्कल वाली शेप है ये भी आप बना सकते हो यहाँ पर और एक यहाँ पर हार्ट वाली शेप है यहाँ पर हार्ट की शेप्स भी बना सकते हो देखो हमने बना दिया ना सारी शेप्स और इससे इजीली आप इरेज भी कर सकते हो तो कैसा लगा आपको ड्राइंग और राइटिंग बोर्ड कमेंट में जरूर बताना तो so क्या मैंने आपको एक एक करके सारी स्टेशनरी वाली चीजें दिखाई आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट में जरूर बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा और वीडियो को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी वीडियो देख के एंजॉय कर सके और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो करूं आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए बाय बाय दोस्तों